क्वेश्चन में कहता है कि एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्टार्स, तो जियोलॉजी किससे रिलेटेड है? बात करें एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स में, देखिए जो रिलेशन इधर होगा वही रिलेशन इधर होने वाला है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है कहते हैं स्टडी ऑफ स्टार या फिर स्पेस और यूनिवर्स एज ए होल, सारा का सारा इसमें आ जाता है एस्ट्रोनॉमी में। तो स्टडी ऑफ स्टार्स यहाँ पे हो गया, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो जियोलॉजी किसी के स्टडी को ही कहते हैं। देखिए बात करें, इस वर्ड से ही आप पकड़ सकते हो, जियो, जियो मीन्स होता है एक व्हाट, अर्थ, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड लॉजी। तो किसके स्टडी को? अर्थ की स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी। अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये स्टडी ऑफ स्टार्स इज एस्ट्रोनॉमी, तो अर्थ की स्टडी को क्या कहेंगे? जियोलॉजी। अब ऐसे ही आपको अलग अलग भी पूछ सकता है कि मान लो कुछ भी, मतलब क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा कर पूछ सकता है, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, इकोलॉजी हो गया, कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आप सारा चीज़ क्लियर कर रखिए, ये मेनली आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट से रिलेटेड है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके।